370 है क्या? काफी लोगों को पता नहीं है कि धारा 370 है क्या। धारा 370 के अंतर्गत ही आता है कि अगर कश्मीर की लड़की की शादी हिंदुस्तान में किसी लड़के से हो जाती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कश्मीर की लड़की की शादी पाकिस्तान के लड़के से हो जाती है तो उस पाकिस्तान के लड़के को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाती है, वो भी दोहरी नागरिकता, एक कश्मीर की नागरिकता और एक भारत की नागरिकता, क्योंकि कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता का अधिकार है, वो भी 370 धारा के अंतर्गत ही आता है। ये आता है 370 धारा के अंतर्गत। अगर वहां पे हमारे तिरंगे की किसी ने बेइज्जती कर दी तो उसका कोई अपमान नहीं माना जाता, ये आता है धारा 300 अंदर के अंदर। कश्मीर में भारत का कोई भी संविधान, कोई भी कानून लागू नहीं है, ये आता है धारा 370 के अंदर। वहां का राष्ट्र ध्वज अलग है, ये आता है भारत के 370 धारा के अंदर। वहां पर भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, ये आता है धारा 370 के अंदर। बड़े शर्म की बात है कि कश्मीर हमसे, भारत से दो गुना, भारत सबसे ज्यादा किसी भी राज्य में इतना पैसा खर्च नहीं करता जितना वो कश्मीर में खर्च करता है। कश्मीर में भारत हर राज्य से ज्यादा दो राज्यों के पैसे कश्मीर में खर्च करता है और वहां से चवन्नी भी नहीं लेता है, और जबकि वहां के सारे नियम कानून सब अलग है। वहां पे भारत की उच्चतम न्यायालय का आदेश भी मान्य नहीं है, जो भी 370 धारा के अंतर्गत आता है कि कश्मीर में भारत के उच्चतम न्यायालय का आदेश मान्य नहीं है। बड़े शर्म की बात है, कभी कभी सोच में पड़ जाती हूं मैं कि कश्मीर हमारा ही है कि किसी और का है। कश्मीर इतने सारे नियम लागू, सबसे पहले मोदी जी आपको हमारी सरकार है, हमारी सरकार, जब हम बोलते हैं ना, जब मोदी जी, योगी जी, भाजपा की सरकार बनी थी तो हमने बोला था कि अब हमारी सरकार है, जब हमारी सरकार है तो हम अपनी सरकार से मांगे करेंगे, क्योंकि बच्चा अपने माँ बापा के सामने ही रोता है। अब हमारी सरकार है इसलिए हम अपनी सरकार से मांग करेंगे कि वहां पे धारा 370 हटाई जाए, सैनिकों को उनका अधिकार दिया जाए, सैनिकों को उनका पूरा अधिकार दिया जाए। और अगर आप वहां पे धारा 370 नहीं हटा सकते हो, अगर वहां पे आप सैनिकों को उनके अधिकार नहीं दिला सकते हो, तो हो हमारे सैनिकों को कश्मीर से वापस बुला लीजिए, जो वहां पे पत्थर मारते हैं उनको लड़ने के लिए भेजिए। जब उनको गोली पड़ेगी ना तब पता चलेगा कि कितने बेटे शहीद होते हैं। वो उन लोगों के लिए गोली खा लेते हैं हमारे सैनिक जो उन्हें पत्थर मारते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को? अगर आप 370 धारा नहीं हटा सकते, अगर आप सैनिकों को उनके अधिकार नहीं दे सकते, तो हमारे सैनिकों को वहां से वापस बुला लीजिए। और उन्हें लड़ने किसको भेजना है आपको? और लड़ने वहां पे कश्मीर के लोगों को भेजो जो वहां पे पत्थर खाते हैं, जो उन्हें पत्थर मारते हैं हमारे सैनिकों को, उनको लड़ने के लिए भेजिए। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आप लोग शेयर करते चले जाओ ताकि लोगों को पता चल सके कि 370 धारा क्या है। 370 धारा में तो हमारा कुछ है ही नहीं, कि कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमारा है, पीता हमारा है और नेन मटक के पाकिस्तान के इरादों पे करता है। मतलब दो चार लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्या लगा दिए, पाकिस्तान तो कश्मीर को अपनी जागीर ही समझ बैठा। बड़े शर्म की बात है ये। वहां से या तो धारा 370 हटाइए, सैनिकों को अपना सम्मान दीजिए, अगर नहीं दे सकते सैनिकों को उनका अधिकार तो वहां से अपने सैनिक वापस बुला लीजिए, मरने दीजिए कश्मीरियों को, उनके हालात पर उन्हें छोड़ दीजिए। वो वैसे भी जो पत्थर वाले काम करते हैं ना, वो यही डिजर्व करते हैं वो कि अंत